आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। प्रायः पूछा जाता है, मेरी शादी कहाँ होगी, मेरी शादी किस दिशा में होगी। इसे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पता कर सकते हैं आपकी शादी किस दिशा में होगी, कहाँ होगी। माता पिता यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए दिशा पता करना चाहते हैं कहाँ होगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जिसे बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने रखने वाला हूँ। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आप अपने लिए भी पता कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं आपकी शादी कहाँ किस दिशा में होगी। तो कैसे जानेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषकर मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा चमत्कारी उपाय करना चाहिए, तो इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए आज के विषय पर चलते हैं, शादी कहां किस दिशा में होगी। तो इसे जानने का बिल्कुल सरल तरीका है, जिन लोगों की जन्म कुंडली बनी हुई है अपनी जन्म पत्रिका को निकाल लें, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी एबीसीडी पता ही नहीं हो। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे पेज पर आप देखिए, जन्म कुंडली के नाम से एक ऐसा नक्शा बना हुआ होगा, ठीक है ना। एक उदाहरण के तौर पर ये साइड में आप एक नक्शा देख सकते हैं कुंडली का। आपकी जन्म पत्रिका के सेकंड पेज पे आप देखेंगे, सेकंड या थर्ड पेज पे आपको जन्म कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा दिखाई देगा, ठीक है ना। फर्क ये होगा कि आपकी जन्म कुंडली का जो नक्शा होगा वो नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन उसमें अंक किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और किसी भी खाने में कहीं पे कोई भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। मैं ओनली समझाने के तौर पर यह एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं साधारण, ठीक है। आप अपनी कुंडली को निकाल लो, चाहे उसके बारे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो, और साइड में आप ये जो कुंडली देख रहे हैं, ठीक है, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा हुआ है ना, उस खाने को देखना है कि आपकी कुंडली के उस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर, इस कुंडली के जिस खाने में, ध्यान रखना है, जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है आपकी कुंडली के, इस खाने में देखिए आप कौन सा अंक लिखा हुआ है। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत अच्छे से पता कर लेंगे और किसी भी ज्योतिषी से यह प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी को भी बहुत सटीकतापूर्वक आप स्वयं बता सकते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में होगी, कहां होगी। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, वहां पर जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा हो, 5 लिखा हुआ हो और 9 लिखा हुआ हो, 1, 5 या 9 लिखा हुआ हो, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है उस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। और जन्म स्थान बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ दिया हो और बाहर कहीं पर विगत काफी समय से रह रहे, तो वर्तमान में जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। तो पूर्व दिशा की तरफ जो भी सिटी या शहर है उधर अधिक प्रयास करना चाहिए, तो वहां पर सफलता मिलने का पावरफुल योग बनता है। आगे बढ़े, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां 2 लिखा हो, 6 लिखा हुआ हो या 10 लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों की जो शादी होती है वह जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ कोई भी सिटी या शहर पड़ रहा है तो उधर शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। और बहुत लंबे समय से जन्म स्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो वहां से भी पश्चिम दिशा की तरफ जो भी सिटी या शहर पड़ते हैं वहां पर प्रयास करना चाहिए, सफलता का पावरफुल योग बनता है। तीसरी कंडीशन है,
जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जिस खाने में सात लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कुंडली में तीन लिखा है, सात लिखा है या ग्यारह लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता उत्तर दिशा की तरफ पक्का होने का प्रबल योग बनता है। जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। या जन्म स्थान को छोड़कर के बहुत लंबे समय से किसी दूसरे सिटी शहर में रह रहे हैं, तो वहां से उत्तर दिशा की तरफ जो भी सिटी या शहर पड़ता है वहां पर प्रयास करना चाहिए, वहां पर प्रबल कंडीशन बनती है शादी का रिश्ता पक्का होने की। आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, इस खाने में जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में चार लिखा है, आठ लिखा है या बारह लिखा हुआ है, इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जो भी सिटी या शहर पड़ता है वहां पर शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। और जन्मभूमि को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे शहर सिटी में कहीं पर भी रह रहे हैं, तो वहां से दक्षिण दिशा की तरफ जो भी शहर पड़ता है, दक्षिण दिशा की तरफ जो भी कोई भी स्थान होगा ऐसा, उस दिशा को पर्टिकुलर देखना, उस दिशा में शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इससे आगे बढ़े, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा हुआ है, वहां पर यदि सूर्य बैठा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी पूर्व दिशा की तरफ, जन्म स्थान से या जहां भी वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ प्रयास करना चाहिए, पूर्व दिशा में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ होगा, चंद्र, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से या वर्तमान समय में जहां रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, इस खाने में मंगल या शुक्र ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इससे आगे बढ़े, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, यहां पर यदि शनि लिखा हुआ होगा, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता जन्म स्थान से या वर्तमान समय में जहां रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ जो भी सिटी शहर पड़ता है, इस दिशा डायरेक्शन में शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में गुरु लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता पूर्व दिशा की तरफ पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बुध ग्रह लिखा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में उत्तर दिशा, जन्म स्थान से या वर्तमान समय में जहां रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। अब जिन लोगों की, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में दो ग्रह बैठे हुए हों, सपोज करिए शनि भी बैठा है इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है, वहां बुध भी बैठा हुआ है, तो यहां पर डबल कंडीशन बनेगी, यानी ऐसे लड़के लड़कियों की शादी उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनेगा। बहुत आसान तरीका है, जिन ग्रहों का मैंने अलग अलग दिशा वाइज बताया, एक साथ दो ग्रह बैठ जाए या तीन ग्रह बैठ जाएं, तो उन ग्रहों के हिसाब से समझें। समझिए, सूर्य बैठा हुआ है इस कुंडली के जिस खाने में सात लिखा है वहां पर, और शनि भी बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में शादी का रिश्ता है तो पूर्व दिशा की तरफ से पक्का होगा या पश्चिम दिशा की तरफ से पक्का होगा। तो यह बहुत ही आसान तरीका है, शादी किस दिशा में कहां होगी, तो जानने का बिल्कुल सरल सूत्र है। और प्रिय दर्शकों, आप खुद ही अपने आप में बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। जो मैं छोटे छोटे सूत्र बताता हूं, आप इनको नोट करते रहें, आप खुद एक दिन बहुत अच्छी किसी की भी कुंडली देख के स्वयं प्रिडिक्ट कर सकते हो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, शादी कब होगी, कहां होगी, किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिल सकता है, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के कौन कौन से कारगर उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियां सटीकता पूर्वक प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लीजिए,
वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैरिज से रिलेटेड हमेशा नई नई रिसर्च के साथ जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।